नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंगर। आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक और वक्त आपके पसंदीदा शो यानी आपकी प्रॉपर्टी का। वाकई बजट पर अब निगाहें, क्योंकि बजट के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उम्मीदें भी आसमान पर है। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर बड़ी बेसब्री से वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का पिटारा खुलने का इंतजार कर रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे तो मौका माकूल है या नहीं, इस पर हम भी बात करेंगे। हो सकता है कि बजट के बाद मौका और भी मुफीद हो जाए या ना भी हो। प्रॉपर्टी की कीमतें अपनी ऊंचाई से काफी नीचे आ चुकी हैं। बैंक भी लोन देने में आनाकानी नहीं कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के चलते दिल्ली की सूरत बदलने की तैयारी की जा रही है और सबसे बड़ी बात, जो बिल्डर मकान खरीदने को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, अब वो कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं। ब्याज दरें 12% से घटकर 8% के निचले स्तर तक चली गई हैं। स्टेबल गवर्नमेंट है, इसलिए ब्याज दरें आगे और कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है, इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये सही समय है। बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी खुशखबरी दे सकते हैं। बजट के इमीडिएटली बाद जो टाइम है वो बिल्कुल ठीक टाइम होगा प्रॉपर्टी खरीदने का। इस टाइम रेट सबसे कम है इस टाइम, और बजट के इंसेंटिव आते ही जो है आप बिल्कुल अपने एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कर पाएंगे कि मैं क्या चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ। तो उसके इमीडिएटली बाद लोगों को मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपनी डिसीजन फाइनलाइज कर देनी चाहिए, और तब तक बजट आने तक अपनी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके रख लेना चाहिए कि मुझे क्या खरीदना है। मकान खरीदने पर सरकार से मिलने वाली तमाम रियायतों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि खुद शहरी विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्री से मकान खरीदने पर मिलने वाली छूट बढ़ाने की मांग की है। वो चाहते हैं कि मकान खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की जो टैक्स छूट मिलती है वो बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी जाए। 30 लाख रुपए तक के मकान खरीदने के लिए वो ब्याज दर में कमी चाहते हैं। मांग तो ये भी है कि मकान खरीदार को टैक्स में छूट मिलनी तभी से शुरू कर देनी चाहिए जब से ईएमआई चालू होती है। अभी तक छूट तभी मिलती है जब आपको मकान का पोजीशन मिलता है। इंटरेस्ट के ऊपर एग्जम्पशन, जो टैक्स एग्जम्पशन 1.5 लाख का जो लिमिट था, उसको हमने 3 लाख और एडिशनल 2 लाख ऑन प्रिंसिपल अमाउंट हमने मांगा था, लेकिन हमें लगता है कि कम्बाइंड अमाउंट में करीब 2.5 और 3 लाख के बीच में इसके ऊपर गवर्नमेंट आम जनता को रिलीफ देगी। नंबर दो, हमें ये दिखाई देता है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे जैसे पहले था सेक्शन 80IB जो है उसके अंदर छोटे मकान बनाने के लिए बिल्डर्स के ऊपर इनकम टैक्स अगर नहीं लगेगा तो वो उसको प्रमोट करने में इंटरेस्ट लेंगे। तो अगर आप मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो बजट तक इंतजार कर लीजिए। बजट में वित्त मंत्री कुछ ऐसा ऐलान कर सकते हैं जो आपके मकान खरीदने की खुशी को दोगुना कर सकता है। शैलेश यादव, दिल्ली आज तक।